एसएसआरबी के फॉर्म तो नहीं भरे? नहीं नहीं, एक्चुअली मैं जैसे ही मेरी मैंने पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग करी थी, जैसे ही वो खत्म होगी तो मैं भी बिजनेस में आ गया इमीडिएटली। जॉब के लिए सब फॉर्म भर रहे हैं लेकिन लास्ट में प्रोटेस्ट करना पड़ता है, निकलती किसी की नहीं है जॉब। चाय ठीका स्पेशलिस्ट ऑफ चाय लिखा हुआ है, हमारे यहाँ भयंकर ठंडी चिल्ड कॉफी देसी चाय मिलती है। देखिए करक चाय, इसमें ये प्रॉपर जो करक चाय नहीं होती, हाँ। ये बिल्कुल वैसी बनेगी करक चाय। ठीक। और मतलब डिफरेंट टाइप की स्पेशलिस्ट, जैसे हमारे पास हो गए कुल्लर पिज्जा। जम्मू शहर में घूम रहा था रात के वक्त में, ठीक परेड का जो स्टेडियम है, परेड के बिल्कुल स्टेडियम के सामने एक नई दुकान खुली है, दुकान का नाम है चाय ठेका। अब पत्रकारों को का और चाय का चोली दामन का साथ है, पत्रकार चाय नहीं छोड़ सकता। तो जब मैं अंदर गया तो मुझे अंदर जाकर ये पता चला कि एक जम्मू के युवा ने, एक बच्चे ने इस चाय ठेका की फ्रेंचाइजी ली हुई है, बड़ी दिल को खुशी हुई। तो चलिए आपको चाय ठेका दिखाते हैं, पहले आपको इसकी बाहर मुझे एक्चुअली किस चीज़ ने इस चाय ठेका तक पहुँचाया वो ये है, ध्यान से देखिएगा। ये चाय ठेका स्पेशलिस्ट ऑफ चाय लिखा हुआ है, हमारे यहाँ भयंकर ठंडी चिल्ड कॉफी देसी चाय मिलती है, तो ये इनका क्लेम है। हम अंदर जाएंगे और देखेंगे क्लेम किस हद तक ठीक है। और इस तरफ जो ये चित्रकारी की हुई है, अभी बहुत खूबसूरत चित्रकारी की हुई है, और लिखा हुआ है इसको ठेका चाय ठेका इंडिया। चलिए अंदर चलते हैं। ये आप अंदर पहुंच चुके हैं, थोड़ी सी स्पेस यहाँ पर है, और स्पेस इसलिए भी थोड़ी सी है क्योंकि आपको एक वो ज़माना याद आता होगा जिस ज़माने में आप जब चाय की दुकान के अंदर जाते थे तो वहाँ थोड़ी सी कुर्सियाँ होती थी और बड़ी तंग सी जगह होती थी, उस तंग जगह में आपको चाय पीनी पड़ती थी। अंदर की डेकोरेशन भी आप ध्यान से देखिएगा और कितनी खूबसूरत तरीके से ये इसको डेकोरेट किया गया है, और जज्बात को कर लो थोड़ा काबू, ये चाय ठेका है बाबू, बहुत खूबसूरत। और मैं उस बच्चे से भी आपको मिलाऊंगा, आप आइएगा जरा यहाँ तो मैं मुलाकात भी कराता हूँ। ये है जी वो नौजवान, क्या नाम है आपका? वासु गुप्ता है ये, तो वासु गुप्ता से भी आपकी मुलाकात कराऊंगा और आपको स्पेशलिटीज भी यहाँ की बताऊंगा। लेकिन पहले इंपॉर्टेंट ये है कि परेड के सामने ये बहुत खूबसूरत जगह है और शाम के वक्त बैठने के लिए यहाँ अरेंजमेंट भी काफी अच्छा किया हुआ है, और इस बच्चे ने बड़ी मेहनत इस प्रोजेक्ट में करी हुई है, बाहर की डेकोरेशन अंदर का ये सारा सिलसिला। जाहिर सी बात है फ्रेंचाइजी जब आप लेते हैं कुछ उनकी तरफ से भी होता है, लेकिन बहुत मेहनत इस बच्चे ने की है। इसके साथ हम गपशप भी लगाएंगे और आपको बताएंगे यहाँ क्या कुछ खास बनता है। वासु ये सामने क्या बन रहा है, ये इसे क्या कहते हैं? इसको हम कुल्लर बोलते हैं। अच्छा ये कुल्लर है ना? जी जी, ये जम्मू में अभी नया कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, अगर आप बाहर चले जाओगे दिल्ली या मुंबई वाली साइड, हाँ। ये आपको आम मिलेगा। अच्छा, लेकिन जम्मू में अभी नए कॉन्सेप्ट आए हैं। नया कॉन्सेप्ट आया हुआ, ये मिट्टी के भाई साहब कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये एक्चुअली चाय बनती है, प्रॉपर स्टीम होती है इसमें चाय। जी अच्छा, प्रॉपर स्टीम होती है चाय, क्या खास बात है आपकी चाय की, क्या कौन कौन सी चाय पिलाते हो आप? एक्चुअली हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के फ्लेवर्स है, जैसे कि रोज का हो गया, पान का हो गया, जग को सिर्फ कर ये चाय बन जी है, ठीक है। यहाँ पे रोज हो गया, पान हो गया, चॉकलेट हो गया, इलायची हो गया, अदरक इलायची हो गया, मसाला हो गया, और एक है करक चाय, इसमें ये प्रॉपर जो करक चाय नहीं होती, हाँ। ये बिल्कुल वैसी बनेगी करक चाय। ठीक। और मतलब डिफरेंट टाइप की स्पेशलिस्ट, जैसे हमारे पास हो गए कुल्लर पिज्जा, हाँ। ये सिर्फ कुल्लर में आएगा, इसके सामने पिक बनी हुई है सामने, ठीक। ये जो बाहर वाली साइड पिक बनी जी 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 जी, ठीक है। अच्छा मुझे उसके अलावा ये बताना, ये जो लिखा है जज्बात को कर लो काबू, ये चाय का ठेका है बाबू, बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट किसका है? ये एक्चुअली कंपनी का ही है, बट मेरे को तीन चार लाइन चाहिए, बट मेरे को ये काफी पसंद आई लाइन, जज्बात को कर लो थोड़ा काबू, ये चाय ठेका है बाबू। अच्छा तो मुझे ये बताइएगा कि वासु आपने पढ़ाई कहाँ तक की? मैंने एक्चुअली मेरी इंजीनियरिंग खत्म हो गई है। अच्छा इंजीनियरिंग खत्म करके इंजीनियर क्यों नहीं बने आप? एक्चुअली मेरा बिजनेस में जरा था। अच्छा मैं बिजनेस करूं जी। अच्छा तो बिजनेस का मन था, तो ये जो साइकिल वाइकल लगाए ये भी कंपनी की तरफ से है या? नहीं, चाय ठेका इज ऑलवेज अ गुड आइडिया जी। एक्चुअली ये साइकिल का एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, इसमें गुड है ये। अच्छा जी, तो ये किसका आइडिया, तुम्हारा आइडिया है ये कंपनी का है? कंपनी का, एक्चुअली कंपनी ने मेरे को दिया था कॉन्सेप्ट्स, बट मेरे को ये पसंद आया, मैंने ये लिया। अच्छा कंपनी ने बड़े सारे कॉन्सेप्ट्स दिए और आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पसंद आया तो आपने ये। अरे मैं एक चीज और देख रहा हूँ यहाँ पर, आपने फ्रेंच फ्राइज की भी यहाँ पर बात करी हुई है। जी जी जी। आप कह रहे हो अच्छा, अभी फ्रेंच फ्राइज जो हमारे बनते हैं इनमें और जो मैकडी में फ्रेंच फ्राइज बनते हैं उनमें, उसमें क्या फर्क है?
एक्चुअली हमें बिल्कुल फ्रेश लाइव किचन है, थोड़ा कैमरे की तरफ ताकि लोगों को पता चले कि मैकडी में है। मैकडी में आप लाइव किचन ही देख सकोगे, लेकिन मेरे पास प्रॉपर लाइव किचन है, प्रॉपर लाइव बनेगा सब कुछ। और जो हमारे पास ये कूलर होगा, प्रॉपर कूलर स्टीम करेंगे। अच्छा, प्रॉपर लाइव किचन का मतलब ये भी है जी कि आप जब आएंगे और आपके सामने होगा, बिल्कुल आपके सामने सब कुछ होगा और आपको पता चलेगा कितनी सफाई के साथ चीज बन रही है, क्या डाला जा रहा है, क्या नहीं डाला जा रहा है, वो सारी चीजें आपके सामने। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा वासु, मैं जरा इंटरेस्टेड इस चीज में हूँ कि आपने इंजीनियरिंग करी हुई है, एसएसआरबी के फॉर्म तो नहीं भरे? नहीं, एक्चुअली मैंने जैसे ही मैंने पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग करी थी, जैसे ही वो खत्म होगी तो मैं भी बिजनेस में आ गया इमीडिएटली। जी, वैसे तो गुप्ता सारे बिजनेस में है, ऐसा तो नहीं है गुप्ता हो इसलिए बिजनेस में आ। एक्चुअली पापा ने बोला कि तेरे को जो अच्छा लगता है तू कर ले। हाँ। मैंने बोला कि मेरे को बिजनेस में ही आना है। बिजनेस में ही आना। जी, मेरे को पापा ने पूरा सपोर्ट करा, कहते कि तेरे को जैसा अच्छा लग रहा है वैसा कर ले, तेरे को फोर्स नहीं करेगा। ये ब्रांड, ये चाय का दिमाग में कहां से आया? एक्चुअली ये मैंने सोचा कि मतलब कैफे टाइप का बिजनेस खोलने के लिए। हाँ। बट मैंने सोचा कि ये कूलर का कॉन्सेप्ट करूंगा। हाँ। तो मेरे पास नेस कैफे का भी था ऑप्शन और भी काफी ब्रांड्स का था, बट मैंने सोचा कूलर में मैं ट्राई करूं। अच्छा, आपको लगा कूलर इज द बेस्ट? जी 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 जी, इसी से शुरुआत की जाए। एक्चुअली मिट्टी में ये आज के लोग मिट्टी की जनरेशन मिट्टी यूज नहीं करते। हाँ। तो मैंने सोचा मिट्टी में ही चाय वगैरह सर्व करेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी चीज ये मुझे वासु की बहुत अच्छी बात ये लगी कि कारोबार जहन में वासु के आया। वासु भी डिप्लोमा किया हुआ है इंजीनियरिंग में, ये भी JKSSB के फॉर्म भर सकता था, ये भी लाइन में लग सकता था कि लंबा वक्त कब नौकरी लगेगी, क्या होगा, ये होगा, वो होगा। वासु ने एक बड़ी डिफिकल्ट लाइन ली। वासु, आपको ये भी पता कि बिजनेस में है कि चल गया तो आपकी चांदी, अगर नहीं चला तो बड़ा मुश्किल काम है, तो ये चीज जहन में है जी। एक्चुअली मैं बिजनेसमैन फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ, तो मेरे को कुछ गुण आ गए हैं। जी 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 जी। और पापा ने मेरे को काफी मोटिवेट करा कि तू आ जा, कोई बात नहीं, हमारी सपोर्ट है ही पीछे। अच्छा। और बेसिकली मेरे को मामू की सबसे ज्यादा सपोर्ट है, वो KAS ऑफिसर है, तो उन्होंने मेरे को काफी गाइड करा। उन्होंने मेरे को बोला अगर तुम्हें पढ़ना है तो देख ले, पर मैंने बोला कि बिजनेस में मेरा एक्चुअली माइंड स्टार्टिंग से माइंड था बिजनेस करने में। अच्छा, तो वो सारे नौजवान जो आपको देख रहे हैं और नौकरी के चक्कर में क्या कहते हैं फिर रहे हैं, जो नौकरी तो थोड़ों को मिलेगी। 97,000 लोग फॉर्म भरते हैं, 1200 लोगों को नौकरी मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। क्या क्या आप उनको कहो? जॉब का बस इतना बोलूंगा कि भाई सबको बड़ा जॉब के लिए सब फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन लास्ट में प्रोटेस्ट करना पड़ता है, निकलती किसी की नहीं है जॉब, निकलती किसी की। ये बिल्कुल ये सच है। और जम्मू कश्मीर में एक और मुसीबत ये है कि इम्तिहान कराते हैं फिर कैंसिल, मुझे वासु एक चीज और बताना, बहुत सारे लोग जो आपको देख रहे हैं, देखिए मेरी गुजारिश है आपको ये कि वासु ने ये बहुत खूबसूरत वासु का कॉन्सेप्ट है। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि चाय ठेका पर आप लोगों ने जरूर आना है, वासु के इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने कामयाब करना है। कामयाब इसलिए करना है कि ये बच्चा कामयाब होगा तो और सारे बच्चों में को प्रोत्साहन मिलेगा कि हमको भी बिजनेस की तरफ आना चाहिए बजाय सरकारी नौकरियां ढूंढने।